पब्लिक टीवी आपकी आवाज। थाना मझोला क्षेत्र का मामला प्रकाश में आया है। नाजरीन पत्नी मोहम्मद निवासी जाहिद नगर करूला कटघर के निवासी हैं। प्रार्थी का पति मोहम्मद भवन निर्माण कर ठेकेदारी का काम करता है। लगभग 3 वर्ष पहले रीना पत्नी हरपाल सिंह निवासी एकता कॉलोनी बड़े मंदिर के पास थाना मझोला निवासी है, प्रार्थनी के पति के पास आई और बोली, मैं बेसहारा महिला हूँ, मुझे काम पर रख लो। काम पर रख लिया गया और धीरे धीरे उसने अपने प्रेम जाल में उसे फंसा लिया। इस बीच शारीरिक संबंध भी स्थापित कर लिए और पैसा मांगना शुरू कर दिया। अब हमने पैसा देना बंद कर दिया तो रीना ने ब्लैकमेल करने लगी है। 27 दिसंबर को लगभग 11 बजे धोखे से उसे बुला लिया। रीना ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर जान से मारने की नीयत से लाठियों से बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से नाजरीन के पति बुरी तरह घायल हो गए। हालत नाजुक बनी हुई है। उनका एक औरत से 7-8 साल से चक्कर था, उन्हें फंसा रखा था इस औरत ने, और इनकी एक ऐसी वीडियो बना ली थी, उसकी वजह से ब्लैक मेल कर रही थी। पैसा मंगवाती थी अपने आदमी को, अपने बच्चों को देती थी, एक मकान, एक ज़मीन ले रखी, जेवर और गाड़ी भी इसके वहाँ, और 30,000 रुपये और सोने की चेन पहने हुए थे, वो भी कल छीन ली इन्होंने। 4 जनों ने मारा मिलकर मेरे शोर को, और गला भी पकड़ लिया, जानलेवा हमला कर। अब क्या कर रही है वो? अब ये कह रही है कि मुझे पैसे दो, बल्कि फिर ये भी सबसे पैसे मंगवा रही है, ब्लैकमेल कर रही है। अच्छा, तो अब क्या चाहती हैं आप? मैं साफ चाहती हूँ, जैसे मेरे शोर को इसने मारा ऐसे मैं चाहती हूँ दोनों जेल जाए। अच्छा, क्या पुलिस को तहरीर दी है आपने? किस थाने में दी? मझोला थाने में दी थी, तो वो छुट के चला गया। तो पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने नहीं पकड़ा उनको? पुलिस ने पकड़ लिया था, हाथों हाथ जमानत हो गई। अच्छा, हाथों हाथ थाने से छोड़ दिया पुलिस ने? कचहरी से जमानत हो गई। कब की घटना है ये? कल की, कल 12 बजे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।